लेकिन एट द सेम टाइम आई टेल यू, शुरू में जब मैं पहला पहला मेरा प्रोजेक्ट था आई वॉज डूइंग, तो वो तेरी मेरी जोड़ी था, ठीक है, तो उसमें उसके आपका साथ, सपोर्ट रोल था, हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे घर वालों ने कहा था कि सामने नजर नहीं आना, टीवी पे नहीं आना, शौक पूरा करके आ जाना। तो टीवी कर रही है बट टीवी कैमरे पे हाँ नहीं आना, पीछे कहीं मतलब। हाँ मतलब थोड़ा सा आना और चली जाना, नजर नहीं आओ कि मतलब वो ये नहीं कि तुम सामने आ जाओ, ऐसे नहीं करना, तो दैट्स अनदर थिंग। बट यस, तो जब हम वो वाला कर रहे थे, उसके अंदर अभी वो ऑन एयर नहीं हुआ था, तो मुझे 7 लीड रोल्स ऑफर हुए थे, तो आई वाज लाइक, मैंने कहा आई डोंट वांट टू डू दिस। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट, हाँ, 7 लीड रोल्स आपको क्यों ऑफर हुए जब आप एक सपोर्ट रोल करनी थी तब तो? क्योंकि मैं उस वक्त सिलेक्ट हुई थी, दैट वाज फॉर जी इंडिया एंड वी वर सिलेक्टेड बाय इंडियन व्हाटएवर द सिलेक्टर्स। एक्सप्लेन दैट टू मी। आई विल, दैट वाज अ लाइक यू नो सम ग्रैंड मेगा प्रोजेक्ट सॉर्ट ऑफ ओके थिंग, ओके, सो दे वर जस्ट अबाउट के इसके अंदर जो भी आएगा इट्स लाइक यू देयर। एक दूसरा ये वाज कि दैट फॉर जैसे, Z5? यस प्रोबेबली तो प्रोबेबली जी Z5 फाइव का हो कोई सकता, मेगा प्रोजेक्ट बनना हाँ था, हाँ हाँ वो उसमें उसी यू के लिए वर था, दैट इज द रीजन कि वो अब आपको यूट्यूब पे या कहीं पे नहीं मिलता, ठीक है ठीक है, एंड क्योंकि यू वहाँ डन से, इट। यस आई हैव डिड, आई हैव डन दैट, ओके सही है। सो बट द पॉइंट इज, जिस वक्त मैंने वो साइन किया था, उसके एक दो दिन के बाद ही एवरीवन केम अप टू मी, व्हाई आर यू डूइंग द सपोर्टिंग कैरेक्टर, यू शुड डू अ लीड कैरेक्टर। दिस वाज द पॉइंट कि उन्होंने कहा कि आपको एक लीड कैरेक्टर करना चाहिए, सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं करना चाहिए। अच्छा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे समझ नहीं आई, तो मैं तो इसलिए आपकी, आप अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, समझाती हैं चीज़ों को, मुझे एहसास हुआ है। सो मेरी ये अम्मी जो टीचर प्रोजेक्ट था, हैं, हाँ मेरी अम्मी टीचर हैं, दैट्स माशाल्लाह, द इसीलिए रीजन कि मैं उनके साथ स्कूल में जाती थी पढ़ाने। पढ़ाने, हाँ पढ़ा भी देती थी मैं। सो मेनी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, आई एम एन एक्टर ना, तो आई यूज टू डू एवरीथिंग, अ बिट ऑफ सो एवरीथिंग। इंटरेस्टिंग। तो तेरी मेरी जोड़ी वाज एक्चुअली अ जॉइंट वेंचर बिटवीन जियो एंड जी जी फाइव, जी यस ठीक है, जी और वो दोनों जगह चलना था। वो दोनों जगह चलना था, और हुआ ये कि जियो के ऊपर इन्होंने ऑन एयर किया, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे रिलेटेबिलिटी नहीं बनी यहाँ पे ऑडियंस के साथ, बिकॉज इट वॉज अ गुजराती फैमिली जो कि इंडिया में गुजराती, अ डिफरेंट गुजराती, दे लाइक जो थोड़ा दूसरे तरीके से बात कर, जो मेमनी तो नहीं करेंगे उसे, गुजराती ही करेंगे, जी गुजराती में बात करते हैं, और हमारे यहाँ पे गुजरात जो है वो पंजाबी पंजाबी है, गुजराती, तो बिल्कुल वो बिल्कुल, कनेक्ट ही नहीं कर सकते थे, प्लस लोगों उसके को अंदर समझ नहीं आई। नहीं आया, प्लस उसके अंदर ढोकला एंड दे हैड दिस ऑल दिस की ढोकला बना लो और ये कर लो, उन्होंने इंडिया के लिए बनाया था क्योंकि वो इट वॉज इंडिया इंडियन है, गुजरात नॉट पाकिस्तानी एग्जैक्टली, गुजरात। तो यहाँ ओके पे हम लोग नहीं कनेक्ट कर सके, जो थोड़ी बहुत लोग थे जिन्होंने देखा, दे लाइक इट वॉज अ लाइट हार्टेड एंड दे नाइस थॉट दैट एंड, यू शुड बी लीड। बिफोर एयरिंग, सो दे थॉट कि आई शुड बी लीड, बट वो प्ले ऐसा था, उस प्ले के लिए नहीं, दे आस्क्ड मी फॉर अनदर प्ले, वो हाँ। प्ले ऐसा था कि उसके लिए वही लड़की, उसी के लिए ही था वो लीड और मेरे लिए नहीं था तो वो। इवेंचुअली पेरेंट्स को फिर कैसे कन्विंस किया जिन्होंने कहा था मैंने कि नहीं कन्विंस किया, हुआ यही था कि जब मैंने वो पहला वाला प्ले आ गया ऑनियर, तो मेरी नानी ने अम्मी को कहा कि ये क्या, ये तो आती और चली जाती है, तो अम्मा इज लाइक, मैंने कहा तो डिसाइड कर लो कि आना है या नहीं आना है, से दे ले कि नहीं नहीं सही है सही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा पक्का, मैंने कहा कंफर्म, फिर देन आई वाज लाइक कि अब बताओ कि क्या क्या जो स्क्रिप्ट थी। लीड आ रहे थे, ऑफर्स नहीं आ नहीं रहे वो थे। मैंने खुद ही मना की थी, उसकी वजह ये थी कि मैंने उनको जाके कहा था जो बात मैं करना चाह रही थी, वो बात ये थी कि उन्होंने जैसे मुझे, मैंने कहा कि मैं ऐसे ही नहीं रोना चाहती, ऐसे ही नहीं रोना चाहती, नहीं मैं नहीं रोना चाहती ऐसे ही कि मतलब क्योंकि आपकी रेटिंग आएगी, मैं नहीं चाहती कि मैं रोऊं ऐसे कोई वजह के बगैर, कि आप कुछ क्रिएट कर दें और वो फिर वजह के बगैर मैं रोती रहूँ, ठीक है, एंड दे लाइक नहीं नहीं लेकिन यही चलता है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मुझे रीज़न दे दो कि ये रीज़न है, मैं आई कैन क्राई पूरी ज़िंदगी रो लूँगी मैं, लेकिन मुझे वो रीज़न तो दो, ठीक है। अब उसके बाद आई डिड भोली बानो, तो फिर वो भोली बानो था और उसके अंदर मतलब उसके पास रीज़न थे, वो अपने हिसाब से रोती थी, अपने तरीके से रोती थी, नहीं भी रोती थी, हंसती थी, लड़ती थी, सब कुछ करती थी लाइक नॉर्मल पीपल डू, एक आपने इवन मिस्चीवियस कैरेक्टर भी किया था हाँ मैंने बहुत सारे किए हैं, जो उसके बाद भोली बानो के बाद जो आपने किए, सिलसिले हीरा सिलसिले हीरा, हीरा हीरा, शी वॉज लाउड, शी वॉज डिफरेंट, शी वॉज वेरी डिफरेंट, सो मुझे उसके यू, अंदर आई इट गॉट वॉजेंट लाइक कि अनदर, आप एक ही रट में कर रही है कैरेक्टर्स, नो आप ट्राई आउट कर आई रही थी। नहीं, मैं क्या, व्हेन आई रीड द स्क्रिप्ट मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर, व्हेन आई लिसन टू इट आई एम लाइक ये वाला, ये मेरा है, ये दे दो, तो आई जस्ट डू इट। बट ऑफ लेट देन, अभी जो हम आपके जो ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले, फितूर एंड दीवानगी, दीवानगी ऑफ कोर्स कंक्लूडेड ऑन अ कम्प्लीटली डिफरेंट नोट एंड वी वर वेरी इंप्रेस्ड, वी वांट एक्सपेक्टिंग, बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इवन इन दीवानगी एंड नाउ इन फितूर, इवन आई मीन इट वॉज द 31st एपिसोड इफ आई एम नॉट मिस्टेक, 31 32 हो गई है मेरे ख्याल में,
30 एपिसोड्स तक तो दिलनशीन के ऊपर जुल्म ही हुआ है। नहीं, लेकिन उसके अंदर बीच में उसकी वो वेरिएशन आई है, वो चेंजेस आए हैं कुछ ना कुछ की, वो आपको कहीं कहीं पे वो हिट किया है कि हाँ यार ये अभी कुछ करेगी, इसने कहीं कहीं स्टैंड लिया है। यू आर राइट, प्लीज मुझे बताएं कहाँ स्टैंड लिया उसने। मैं बताती हूँ आपको, जैसे फॉर इंस्टेंस कि कहीं कहीं जब ये उसके साथ महमल के साथ बात करे तो ये यू नो इसने स्लाइट सा वो किया है कि पहले अगर ये डर के चुप हो रही थी शुरू में कि जब उसने आके बोला कि मेरे साथ था और ये यूं करता था यूं करता था, तो ये चुप होके सुन रही थी कि अच्छा ठीक है, बट आहिस्ता से, बिकॉज आई डोंट नो कि वो बहुत स्लो स्लो एपिसोड्स चल रही हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो शायद ज्यादा लग रहा है कि वो ज्यादा ड्रैग हुआ हुआ लग रहा है मे बी, क्योंकि शुरू के वो 10 मिनट भी चलते हैं और सारी चीज़ें ड्रैग हुई हुई लग रही हैं, जो कि इतनी ड्रैग है नहीं, ठीक है। वो ये था कि फिर उसने खुद ही उसने अटैक इस तरीके से करना शुरू कर दिया, उसने कहा अच्छा सही, क्योंकि माँ ने कहा है कि पेट के जरिए दिल का रास्ता होता है तो मैं ये करूँगी, तो उसने खाना पकाना शुरू किया, उसने कहा अच्छा दिस इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है तो चलो मैं थोड़ा सा लड़के देख लूँ, मैं थोड़ा नखरे करके देख लूँ, तो वो मतलब हैदर के ऊपर थोड़ा सा बड़ी से हक भी जताती है कि नहीं वेयर आर यू गोइंग, डोंट गो, मुझे साथ ले जाओ, मुझे शॉपिंग करा दो, उसने वो बोलना शुरू किया। पहले जो उसका बिल्कुल ये था कि नहीं मैं तो इससे बात भी नहीं कर सकती, नहीं मेरे पास मत आओ, तो आपकी नजर में वो उसका स्टैंड लेना था कि उसने बोलना शुरू किया, नॉट एग्जैक्टली स्टैंड लेना, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा एक मतलब एक बंदे को जो अगर नॉर्मल इंसान जो के जो दुनिया के अंदर रहते हैं वो एकदम से सुबह उठ के चेंज नहीं हो जाते, टाइम लगता उन्हें, वो ग्रेजुअली वो एक चीज होती है। और यू सेइंग कि दिलनशीन के लिए वो बड़े बड़े स्टेप्स थे, छोटे स्टेप्स नहीं थे, वो दिलनशीन है, वो दिलनशीन है, उसको सपोर्ट नहीं है कहीं से, उसको कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा ये यहाँ पे सपोर्ट के साथ मैं कहूंगी, क्योंकि लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे कि हमजा ने आके बोला है तो इसलिए ये जो है इतनी ऐसे हो गई है, व्हिच इज नॉट द केस एट ऑल। आमना सेड इट्स बिकॉज़ द मदर, एग्जैक्टली मैंने वो देखा था एंड शी इज राइट, इट्स बिकॉज ऑफ द मदर, बिकॉज यू नो कि इसको काफी टाइम से वो अम्मी की तरफ से ही वो नहीं मिल रहा कि कहाँ, जब इसकी माँ ने इसको प्यार किया तो इसको लगा कि हाँ ठीक है। But was that not the reason कि माँ ने बोला कि तुम भी अपनी बेटी को यूं ही समझाओगी, तो That's what I'm saying ना, कि वो एक वो heart to heart बात हो गई, कि उसने कहा कि मैं अपनी बच्चों के लिए अपने मैंने बर्दाश्त मैंने अपने बच्चों के लिए नहीं करूंगी और मैं ये अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मे बी मेरी अम्मा इसी सबसे गुजरी तो शायद मैं इसकी भी दिमाग थोड़ा सा समझ सकती हूँ। इसको जो वो माँ की तरफ से प्यार मिला बिकॉज दैट्स फॉर पता नहीं कितने टाइम के बाद, तो वो अब ये है कि हाँ ठीक है। She started like just, you know, she got wings, red. अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब आपके पास दिलनशीन आता है या दीवानगी का स्क्रिप्ट आता है, what's the thought behind you saying yes to these characters? For दीवानगी was that there are a lot of girls who are working like this, who are going out and who are working like this. Let me share an experience, short, candid experience. We were doing this bus वाला एक scene कर रहे थे हम, और उसके अंदर ये हुआ कि हम शूट कर रहे थे तो हमारे जितने भी हमारे एक्टर्स ही थे, जितने भी लोग बस के अंदर थे वो सारे एक्टर्स थे, तो उसमें एक सीन था कि मैं जा रही हूँ, मैं जाके ट्रे लेकर आती हूँ। अच्छा वो इत्तेफाक से हम हॉक्सबे पे कर रहे थे तो वो पूरी रोड जो ऐसे डर 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 टूटी हुई है, वो बनी भी नहीं है और